मैं हूँ संतोष पिंगुलकर, एनसीए लेवल वन क्वालिफाइड कोच और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का समर कैंप का अंडर 14 का ऑफिशियल कोच। पृथ्वी शॉ, अब आज विरार का नाम उन्होंने पूरे इंडिया में रोशन कर दिया हुआ है। जैसे पृथ्वी रणजी में डेब्यू में सेंचुरी मारे, फिर देवधर में सेंचुरी मारे और अभी टेस्ट में सेंचुरी करके दिखा दिया, जो रिकॉर्ड बनाया। हम चाहते हैं कि पृथ्वी ऐसे ही आगे चलते रहे, उसका ऐसे ही नेशनल गेम खेलते रहे वो, और पूरे वर्ल्ड में देश का और हमारा नाम रोशन करे। पृथ्वी जब बचपन में हमें मिला था एक छोटे से ग्राउंड में खेलते हुए, 3 साल का था, उसके डैडी उसको बॉल डाल रहे थे और इतनी बेहतरीन तरीके से वो गेंद को फटके मार रहा था। उसका चलने का स्टाइल, उसके बैट घुमाने का स्टाइल मुझे बहुत भाग गया था उस वक्त। उनके डैडी से हमने बात की कि इसी अच्छी एकेडमी में क्यों नहीं डाल रहे हो, तो बताया कि अभी ये छोटा है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं, इसे 8-10 साल के बाद लेके आइए, ऐसा बता रहा। तो मैं उनको पूछा कि मैं एकेडमी शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप आ सकते हो क्या? तो उन्होंने फौरन हाँ भर दी कि मैं यही चाहता हूँ। जैसे ही हमने एकेडमी शुरू कर दी तो इतना घुल मिल गया हमारे एकेडमी के साथ, छोटे बच्चों के साथ। हमने उस वक्त छोटे बच्चों के लिए ही खास एकेडमी शुरू की थी, अंडर 10 टू अंडर 16 के बच्चों तक, ये सबसे छोटा उसके अंदर। जैसे जैसे पृथ्वी खुद प्रैक्टिस करते गया, हम लोग उसके ऊपर ध्यान देते गए, कितना बेहतरीन तरीके से वो खुद को उसमें डाल रहा था। एक 8-9 साल के बाद हमें ऐसे महसूस हुआ कि इसे अभी बॉम्बे में शिफ्ट करना जरूरी है, क्योंकि उसका इतना वो इम्प्रूव हो गया था कि विरार में रख के उसका नुकसान हो सकता था। तो हमने उस वक्त की रिजवी स्कूल, जो अच्छी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करे थी, उनसे रिक्वेस्ट की, राजू पाठक सर से। उन्होंने इसे देख के फौरन अपने स्कूल में दाखिला करवा दिया। साथ ही साथ हमने प्रशांत शेट्टी सर से भी रिक्वेस्ट की MIG के, उन्होंने भी इसे देख के फौरन MIG ज्वाइन करने के लिए सलाह दी। तो जैसे ही बॉम्बे चला गया पृथ्वी, तो उसका गेम और इम्प्रूव होते गया, 14 में, 16 में, फिर 19 में मुंबई टीम को रिप्रेजेंट करने लगा। उसी वक्त उसने 546 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया इंटर स्कूल का। जैसे ही वो 19 इंडिया टीम में चला गया, वहाँ राहुल द्रविड़ सर उसे मिले और उन्होंने उसे अपने नेचुरल तरीके से खेलने के लिए प्रेरित किया, और उस अंदाज में उसने अच्छे अच्छे स्कोर किए, जैसे रणजी में डेब्यू में सेंचुरी किए, फिर और कंटिन्यूएशन में 2-3 सेंचुरी लगाई, फिर वर्ल्ड कप अंडर 19 में उसने अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के दिया, फिर देवधर ट्रॉफी में और अभी इंडिया के लिए पहले ही मैच में डेब्यू में अपने नेशनल तरीके से खेलते हुए सेंचुरी लगा दी। हम चाहते हैं कि अभी जो उसका एग्रेसिवनेस है उसमें वो और संयम रखे, क्योंकि जैसे अभी खेल रहा है वो नेचुरल अटैकिंग एग्रेसिवनेस, हम चाहते हैं सचिन जैसा, गावस्कर जैसा, दोनों सचिन गावस्कर का संयम और उसका एग्रेसिवनेस एक साथ में आके वो बेहतरीन से बेहतरीन गेम करते चले जाए। हमारे विरार वासियों की सब कुछ शुभकामनाएं उसके साथ में, और मुझे नहीं लगता कोई भी मुंबई का और भारत का कोई खिलाड़ी उसको बेस्ट विशेष नहीं देता हो। जैसे पृथ्वी हमारे साथ में ज्वाइंट हो गए, उसे कोई भी जल्दी नहीं रहती थी बैटिंग करने की, बस अपने मगन में हैंगिंग बॉल करते रहते थे, ड्राइव्स मारता था, सबसे आखिरी में उसे बैटिंग चाहिए रहती, क्योंकि आखिरी का आधा घंटा और उसके बाद बोलिंग का आधा घंटा उसे बैटिंग करने मिल जाता था। तो कभी भी आके सर मुझे बैटिंग दो, उसे पता है आखिरी में मुझे बैटिंग मिलने वाली, उतना उस वक्त वो मैच्योर हो गया था कि मुझे कब ज़्यादा बैटिंग अच्छी मिलेगी, कब ज़्यादा बैटिंग कर पाऊँगा। हैंगिंग बॉल करने के बाद वो आखिरी में बैटिंग करने आता था। जैसे जैसे उसको इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ गए, तो हमने उसे एक अच्छी बैट ला के उसको कार्विंग करके छोटे उसके साइज़ की छोटी बैट बना के दिए, हमने आम पैड के पैड बना के लगाए, हमने हेलमेट भी नहीं, छोटा था तो
कैसे भी करके उसको मैनेज करके हेलमेट लगा के दिया हमने। ग्लोव्स भी छोटे थे तो आगे की उंगली कटिंग करके उसको छोटा छोटा करके ग्लोव्स भी छोटे सिला के देते थे, लेकिन उसने कभी कंप्लेंट नहीं किया ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों, वो बस क्रिकेट खेलना चाह रहा था और वो खेल रहा था। जैसे यहाँ से मुंबई के लिए जैसे जाना शुरू हो गया तो स्टार्टिंग के कुछ साल एक 10-12 11-12 साल तक उसके डैडी उसको रोज मुंबई लेके जाते थे। हमने देखा उनका स्ट्रगल, उनकी माँ का जल्द देहांत होने की वजह से उनके पिताजी को उसको पूरा संभालना पड़ा, उसकी माँ उसका फ्रेंड उसके पिताजी सब कुछ वही बने। सुबह उठ के 4 बजे उसका खाना बनाना, उसको खिलाना, खुद का टिफिन लेना, उसका टिफिन लेके फिर ट्रेन में एक कंधे पे पृथ्वी एक कंधे पे किट बैग कैसे वैसे करके चढ़ना, ऐसे 3-4 साल उन्होंने बहुत हार्ड मेहनत करके मुंबई लेके जाके उसको डेवलप करवाया। फिर रिटर्न आके यहाँ आके प्रैक्टिस करता था। तो हमारे यहाँ के जो राजू पाटिल साहब है हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने बचपन से ही पृथ्वी को देखा है। उन्होंने देखा पृथ्वी के डैडी का डैडी की मेहनत उसको लेके जाने के लिए और उसको अच्छा खिलाड़ी बनाने में, तो उन्होंने उसे कुछ छोटा सा नौकरी ऐसा एक हेल्प किया, उनको मंथली कुछ फिक्स इनकम मिले इस तरीके से उसका प्लानिंग करके दिया, जिस वजह से पृथ्वी के डैडी कहीं और बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसे सिर्फ लेके जाना और लेके आना इतना ही काम करते थे और बाकी इनकम सोर्स राजू पाटिल साहब की तरफ से उनको मिलता गया। उसी का नतीजा है कि पृथ्वी आगे चल के बॉम्बे में रहने लगा, जहाँ पे संजय पुतनी सर ने उसे एक अपना घर छोटा था वो दिलवा दिया, जिसकी वजह से पृथ्वी की मुंबई यहाँ से मुंबई आने जाने की मेहनत बच गई और वो अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने लगा और उससे गेम उसका ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। उसके बाद पृथ्वी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड इंटर स्कूल में इंटर स्टेट में करने लगा, जल्दी अंडर 14 अंडर 16 के इनसी कैंप में भी लगा था। फिर जैसे अंडर 19 में राहुल द्रविड़ सर मिले उसका गेम और इम्प्रूव होते गया। फिर उसको द्रविड़ सर ने जूनियर में नहीं खिलाते हुए बड़े लोगों में खेलने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया, जैसे कि रणजी में फौरन जल्दी कम उम्र में उसको खेलने वाला करार दिया गया और उसने भी वो उनकी जो इच्छा थी मतलब उनके विचार थे वो अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने साबित करके दिखाया कि नहीं, छोटे होते हुए मैं राहुल द्रविड़ सर ने जो भी अपना विश्वास दिखाया वो सही दिखाया, वो उसने सबको बता दिया। फिर जब बचपन में सबके साथ खेलता था तो हर एक के साथ घुलता मिलता था, लेकिन जब प्रैक्टिस शुरू कर देता था तब उसे कोई दिखाई नहीं देता था, सिर्फ गेंद और अपनी बैट। कहना ज़्यादा गलत नहीं होगा कि उसी वक्त उसने ठान ली थी कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा, जो कि पृथ्वी जब बैटिंग करने लगता था तो सारे आजू बाजू के प्लेयर्स सिर्फ उसे देखते ही रहते थे। जैसे जैसे पृथ्वी खुद को प्रैक्टिस करने में ढालता था आधा घंटा एक घंटा, बॉलर थक जाते थे लेकिन पृथ्वी कभी थका हुआ नहीं दिखता था। जैसे पृथ्वी ने स्टार्टिंग में शुरू किया था 10-12 साल के वक्त उम्र के वक्त उसके खुद की शॉट डेवलप करना, जैसे कवर ड्राइव उसका स्पेशल स्ट्रोक है, ऑन ड्राइव उतना नहीं था पावरफुल, लेकिन जैसे जैसे वो इम्प्रूव होते गया उसने ऑन ड्राइव भी अच्छा मारना शुरू कर दिया। दिखने में इतना शांत, हमें ताज्जुब होता था कि दिखने में बाहर किसी के साथ भी घुलता मिलता था, हंसी मजा करता था, लेकिन ग्राउंड पे विकेट के अंदर जाने के बाद इतना एग्रेसिव हो जाता था वो कि कोई भी ऐसा शॉट नहीं छोड़ता था वो कि नहीं मिले। हर वक्त ढूंढने की कोशिश करता था कि कौन सा बॉल लूज मिले मुझे और मैं कौन सा किस तरीके से अच्छी तरीके से उसे मारूं। मैं तो कहता हूँ पीटता था वो बॉलर को। उसने बाद में तो स्पेशलिटी मिला ली कि हर बॉलर को हर गेंद को मारना ही है, उसके दिल में कभी ऐसे किसी के बारे में ये नहीं आया कि मैं इसको नहीं पीटूं बॉल। वो चाहता था कि हर बॉल सिर्फ मारने के लिए रहता है, अच्छा स्ट्रोक लेने के लिए, और उसी के पीछे वो हमेशा रहता था।
पृथ्वी यहीं हमारे एक इसी ग्राउंड पे साथ में प्रैक्टिस करता था। जैसे सुबह वो जल्दी उठ के स्कूल में जाता था तो वहाँ से 3-4 बजे निकल के यहाँ आ जाता ग्राउंड से हमारे इसी ग्राउंड में हमारे स्पोर्ट्स अकेडमी के अंदर जो हमारा गोल्डन स्टार क्रिकेट अकेडमी है उसी में प्रैक्टिस करता था। यशवंत नगर में विरार में वेस्ट में ये ग्राउंड है हमारा। हमारे राजीव जी पाटिल साहब ने हमें ये ग्राउंड फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवाया है जिसकी वजह से हम बच्चों को बहुत कम चार्ज में कोचिंग करा सकते हैं। लड़कियों को हमारे यहाँ पे फ्री कोचिंग होता है। पृथ्वी भी एक उसमें से एक था। बचपन से जैसे ही आया उसका गेम देखते देखते बाकी और भी छोटे अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ आने शुरू हो गए। फिर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती गई कि पृथ्वी जैसे और खिलाड़ी आने की वजह से उनके ऊपर भी ध्यान देना था। लेकिन हमारा ध्यान कभी पृथ्वी के ऊपर से कम नहीं हुआ, ना ही उसका पृथ्वी का। हम दूसरे बच्चों पे ध्यान देते थे तो पृथ्वी का ध्यान कभी अलग हो गया। वो अपनी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ रहता था। सुबह जैसे स्कूल से आता था दोपहर के टाइम में सुबह जाके तो 3-3:30 बजे धूप में ही प्रैक्टिस चालू कर देता था। फिर कभी उसके डैडी गेंदबाजी करते थे, कभी हमारे माली रामू वो उसे गेंदबाजी करता था। फिर हम लोग फिर बाद में उसके लिए खास बच्चों को बुलाने शुरू कर दिए। वो 10 साल का था तो हम 14-15 साल के बच्चों को बुलाते थे उसके प्रैक्टिस के लिए कि थोड़ा अच्छा स्पीड से उसको बॉल मिले, अच्छे बच्चों को खेल पाए। डर भी था कि कहीं बड़े बच्चों में इसे लग नहीं जाए, इंजुरी नहीं हो, लेकिन वो इस तरीके से खेल लेता था कि मेरे जितने ही बच्चे हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसने और 19 के बच्चों को वगैरह खेलना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे ऐसे कभी दिखाई नहीं दिया कि कभी उसको शरीर पे बॉल लगा है, बस बैट से और बॉल से ही खेलता था। अभी टेस्ट मैच में एक बार बॉल लगा था उसके हाथों पे अभी आखिरी दिन में। तो जैसे दूसरे दिन आया था तो पहले मैंने उसका हाथ देखा तो वही बोला, आपने ध्यान दिया था, मैच देखा था मेरा? बोला हाँ जरूर देखा था। इसमें एक बार फर्स्ट इनिंग में शायद उसको बाउंसर आया ऐसे लगा तो बैठ गया था नीचे, तो उसके कंधे पे बॉल लगा था, वहाँ पे भी उसने दिखाया, सर यहाँ पे भी देखो। बोला तुझे बचपन में नहीं लगा था, अभी कैसे क्या लगने लगा? बोला सर बचपन कहाँ और यही कहाँ, इतने बड़े बड़े प्लेयर, लेकिन मैंने वहाँ पे दिखाया नहीं कि मुझे लगा जाता। तो ये ज़्यादा उसे सब लोगों से अलग करवाता है कि क्रिकेट सेंस सामने वाले को अपने पे हावी होने नहीं देना है कि बहुत जल्दी उसको सेंस आ गया हुआ है। पृथ्वी जब बचपन में खेलता था तो हमें लगता था कि ये जल्दी मुंबई के लिए रिप्रेजेंट करेगा। जैसे जैसे वो बढ़ता गया 12-13 साल में उसका गेम जब देखा तो हमें तभी महसूस होने लगा कि जल्दी इंडिया के लिए खेल पाएगा। और जैसे ही 19 में वर्ल्ड कप में गया, वर्ल्ड कप में उसने जिस तरीके से अच्छे अच्छों की धुलाई करके अच्छे अच्छे रन बनाए तो हमें बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस आ गया था कि पृथ्वी इंडिया जल्दी रिप्रेजेंट करेगा। हम सोच रहे थे कि इसे वनडे के लिए चूज करेंगे, लेकिन उसे टेस्ट में सिलेक्ट कर लिया और वहाँ पे भी उसने अपने वनडे के तरीके से ही रन बनाए बटोरे। देखा पहली टेस्ट मैच में उसने 99 बॉल पे सेंचुरी लगाई थी जो कि वनडे के तरीके से था, लेकिन उसे वहाँ पे भी सभी लोगों ने सहायता की कि तू इसी तरह से खेलते रहे अपने नेचुरल से। हमें पृथ्वी इंडिया के अलावा उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित यहाँ के क्रिकेटर्स हुए। पहले भी जब रणजी खेला तभी भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे आ गए जिनको हम अच्छी कम से कम चार्जेस में अच्छा अच्छा क्रिकेट अच्छा कोचिंग दे पाते हैं। यहाँ पे लड़कियों को जो फ्री कोचिंग दी जाती है उसका ही एक नतीजा पृथ्वी यहाँ से गया है। उसकी वजह से अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे आने लगे जिनके वजह से हमारा जो सर्च था बाहर अच्छे बच्चे ढूंढने का वो खुद आके बच्चे यहाँ पे हमें मिलने लगे जिनके ऊपर हम बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। पृथ्वी का जैसे ही नाम रेकमेंड हो गया इंडिया के लिए, जैसे इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड टूर पे रेकमेंड हुआ था तो 2 मैच के लिए वो रेकमेंड हुआ था, लेकिन उसकी तकदीर की उस वक्त वहाँ पे और अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे तो उसे वो टेस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन हम समझ रहे थे कि वो बहुत और अच्छी तरीके से
फुल न्यू सीरीज में खेल सकता है। तो और वही हुआ कि यहाँ आने के बाद वेस्ट इंडीज के बाद साथ पहली मैच में उसको टेस्ट में ले लिए और उसने रिकॉर्ड कर लिया फर्स्ट मैच में सेंचुरी मारने का। पृथ्वी टेस्ट में खेलते ही यहाँ विरार के बारे में लोगों की राय चेंज हो गई, यहाँ पे अच्छे बच्चे खेल रहे हैं, अच्छे सीख रहे हैं, यहाँ पे लोगों की चाहत हमारे एकेडमी के बारे में बहुत बढ़ती गई, बच्चों में हमारे यहाँ के बच्चों में और ज़्यादा इंस्पिरेशन हो गया कि हम लोग भी पृथ्वी के जैसे ही आगे जा सकते हैं। पृथ्वी अगर छोटे एज में इतनी मेहनत करके ऊपर जा सकते हैं तो हम भी मेहनत करके ऊपर जा सकते हैं। उससे हमें और ज़्यादा एडवांटेज मिल गया कि बच्चों को और अच्छी मेहनत करा के ले सकते हैं और उसका फ़ायदा हमें आते हुए एक दो साल में ज़रूर मिलेगा। पृथ्वी इंडिया खेल रहा है उसकी वजह से लोगों का देखने का, हमारी तरफ देखने का नज़रिया, पृथ्वी जैसे ही इंडिया खेल रहा है वैसे ही लोगों की हमारी तरफ देखने का नज़रिया बदली हो गया और हमारी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ गई है कि पृथ्वी को हम अगर इतना अच्छा है तो बाकी बच्चों को भी उतनी मेहनत करना, बच्चों के ऊपर भी उतनी मेहनत करके उनको भी उसी तरीके से आगे लेके जाना है। लोग उसी नज़रे से हमारे तरफ देखने चालू कर दिए कि पृथ्वी के कोच है तो हमारे बच्चों को भी पृथ्वी जैसा कुछ करे और उतनी जिम्मेदारी से हम भी अच्छी तरीके से कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे उनको अच्छी सर्विस दे रहे, बड़े गरीब हो या अच्छे घर का हो उसकी क्वालिटी देख के उनको हम एडमिशन दे रहे, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज मुहैया करवा रहे हैं। हमारी एकेडमी में हम लोग 6 से 16 साल के बच्चों को एडमिशन देते हैं। अभी पृथ्वी जैसे ही ऊपर खेल रहा है बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोचिंग कर रहे हैं, उनको हम लोग किट प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ कपड़े और जूता पहन के यहाँ पे बच्चों को बुला रहे हैं। लड़कियों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कोचिंग कराते हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन कम है उनको हम लोग बैट पैड ग्लोव सब उनको पर्सनल किट भी मुहैया करवा के दे रहे हैं दूसरों के थ्रू। अच्छी और फैसिलिटी जैसे बॉलिंग मशीन और बाकी चीज़ें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों को और अच्छा टेक्निकल फ़ायदा हो। इस तरीके से हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे कोच भी आने लगे कि यहाँ पे अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे कोच आने की वजह से हमारे बच्चों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से कोचिंग उपलब्ध हो सकती है। ये फ़ायदा हमारा पृथ्वी की वजह से हो रहा है। जैसे पृथ्वी खेले ऊपर जाएगा हमारे बच्चे भी बाकी एक दो साल में मेहनत करके श्योर ऊपर जा सकते हैं। को पृथ्वी की वजह से इंस्पिरेशन मिल रहा है कि हम भी पृथ्वी के तरीके से मेहनत करेंगे और जल्द ही पृथ्वी जैसे रणजी में और इंडिया के टीम के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी इस एकेडमी में हम लोग 12 महीने ही प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे बारिश में बहुत सारी एकेडमीज बंद होती है, हम लोग जानबूझ के बारिश में सैंडल शॉर्ट पैंट टी शर्ट पहन के यहाँ बच्चों को बुलाते हैं, जो फिटनेस ट्रेनिंग लेते हैं फिर क्रॉसफिट करवाते हैं उनसे, अच्छा अच्छे तरीके से उनको शैडोज करवाते हैं, उनकी टेक्निकल ग्रोथ करवाते हैं, उनका क्रिकेट के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाते हैं हम लोग, उनको रूल्स रेगुलेशन समझाते हैं किस तरीके से बैटिंग की जाती है कौन से सिचुएशन में, अपकमिंग जो बच्चे हैं उनको खास वीडियो दिखा के ऑफ सीजन में उनको उस बारे में ज्ञान करा के देते कि किस तरीके से कौन से सिचुएशन में कैसे बैटिंग कराई जाती है। जैसे अच्छे अपकमिंग बच्चे उनकी बैच अलग बना के रखे हुए हमने, उनको उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन हम ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी बैटिंग पे, उनकी बैटिंग शैडोज पे, हैंगिंग बॉल है फिर रबर बॉल है पानी डाल के सीमेंट विकेट पे हाई स्पीड में उनको बैटिंग करने देते हैं हम। ऑफ सीजन में ये बहुत सारी चीज़ें करने के बाद जब बच्चे नेट में आते हैं तो उनको एक अलग फीलिंग होता है, तो उनको एक हफ्ता दो हफ्ता तो उसमें ढालने में जाता है कि सीमेंट विकेट से टर्फ विकेट पे आने में, और बच्चों को बहुत सारा फ़ायदा होता है इस वजह से कि साल भर छोटे बच्चों को बॉलिंग डाल के उनको बैटिंग करवाने लगाते हैं जिससे उनका खुद का मॉरल इम्प्रूव हो। इसी तरीके से बच्चों पे हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, हमारे असिस्टेंट्स हैं उनको भी हम लोग ट्रेनिंग कर देते रहते महीने दर महीने, उनको नए नए टेक्निक्स का ज्ञान करवा के देते हैं, उनको समझाया जाता है। जैसे हमें MCA की तरफ से रिफ्रेशर कोर्स रहते हैं लेवल 1 कोचेस को,
वहाँ से जैसे ही अपडेट मिलती है हम बच्चों हमारे असिस्टेंट कोचेस को और बच्चों को हम आगे फीडबैक देते रहते हैं। उस वक्त मैं भी सर्च में हूँ कि मेरी एकेडमी चालू करते वक्त कोई ऐसा आइडल मिले जिसको देख के अच्छे बच्चे आए यहाँ पे खेलने के लिए, और पृथ्वी मुझे मिल गया। तो पृथ्वी पहले दिन से हमारे साथ में है, उसको देख के सचमुच उसी वक्त से बच्चे हमारे पास आने शुरू हो गए। पृथ्वी को देख के इतना छोटा बच्चा अच्छा खेलता, तो हर पेरेंट्स चाहता था कि इसके तरीके से पृथ्वी के तरीके से हम भी हमारे बच्चे भी खेले, और उससे उस छोटे होते हुए भी इंस्पिरेशन ले रहे थे। अभी तो पृथ्वी इंडिया खेल रहा है तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, पृथ्वी छोटे बचपन से ही शुरू किए थे इसलिए अपने पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को ही लेके आने चालू हो गए। लेकिन हम लोग भी अभी उनको एक थोड़ा सर्च करके फिर उनको एडमिशन दे रहे, थोड़ी दूसरी बैच बना के उनको वहाँ पे क्रिकेट नॉलेज दे रहे, तो अच्छे बच्चों को एक अलग एलीट बैच बना के हम उनमें उनको कोचिंग करवा रहे। जैसे सचिन तेंदुलकर कम उम्र में खेलने चालू कर दिया था तब लोगों को पता था कि सचिन ने 9-10 साल में क्रिकेट शुरू कर दिया था। अभी पृथ्वी खेल रहा है, जैसे पृथ्वी के बारे में सबको पता चल गया कि 3-4 साल की उम्र में पृथ्वी ने क्रिकेट शुरू कर दिया, तो लोगों की आशाएं और बढ़ने लगी है। बहुत छोटी उम्र में ही पेरेंट्स लेके आने शुरू हो गए, लेकिन पृथ्वी एक हटके था, अलग था, इसलिए हम लोग ने उसे जल्दी कोचिंग के लिए ले लिया था। हमें पेरेंट्स को समझाना पड़ता कि पृथ्वी जैसे टैलेंट बच्चों में है तो हम उसे एडमिशन दे पाएंगे। फिर वो बच्चों का हम लोग ट्रायल्स लेते हैं, उसको एक दिन 2 दिन प्रैक्टिस के लिए टाइम देते हैं, फिर उनको समझाते हैं कि इसकी पहले शारीरिक क्षमता बढ़ाइए, उसका खाने पीने का डाइट बढ़ाइए, फिर उसकी एथलीट बिल्ड बढ़ाइए, उनको समझाते। फिर उसके बाद जैसे ही 1-2 साल में बच्चा आता है हम लोग फ़ौरन उसको एडमिट करा के ले लेते, क्योंकि जिसमें टैलेंट नहीं है, टैलेंट मतलब वो एथलीट बिल्ड नहीं है, बचपन में बच्चों हर बच्चा पृथ्वी जैसा नहीं होता है, तो उनकी टेक्निकली हम लोग इतना नहीं सोचते, उसकी फिजिकली ग्रोथ कितनी अच्छी है उस पर हम लोग ध्यान देते। फिजिकली ग्रोथ करा के लेने में हम लोग पीछे रहते बच्चों के, उसके डाइट पे और उसकी वार्म अप पे, उसकी स्ट्रेंथ पे डेवलप करने के लिए हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं। मैं जब खेलता था तो ज़्यादा उसे वक्त नहीं मिलता था, क्योंकि स्कूल में जाके आने के बाद घर जाके रिटर्न जब आता था 3:30-4 बजे, तो पहले वार्म अप करके फिर थोड़ी फील्डिंग करना, फिर हैंगिंग बॉल करना, फिर आखिरी में उसको बैटिंग मिलती थी आधा एक घंटा। लेकिन जैसे जैसे इम्प्रूव होने लगा हमने उसका बैटिंग का टाइमिंग और बढ़ाया, 1 घंटा कर दिया आखिरी का। फिर उसके लिए अलग से जब वो 9-10 साल का हो गया तो उसके लिए एक अलग से नेट हम लोग ने बना के दे दी, इसी पृथ्वी वहाँ पे खेलेगा उसके सरीके और बच्चे 1-2 बच्चे खेलेंगे, 1-1 घंटा करके फिर रेस्ट लेता था, फिर दूसरा बच्चा खेलता था, फिर पृथ्वी आता था, अलग अलग बॉलर उसके सामने हम लोग लाते थे, तो उसको एक वैरायटी मिल जाती थी बैटिंग प्रैक्टिस करने। पृथ्वी जैसे बैटिंग अच्छा करता था बचपन में स्कूल लेवल में, बॉलिंग भी अच्छा कर लेता था, इंटर स्कूल में भी उसने अच्छी बॉलिंग डाली हुई, लेकिन उसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था उसके बैटिंग पे। हमने भी उसे वही बताया था कि तू पार्ट टाइम बॉलर है, रेगुलर बॉलर की तरह मत रहो, बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, जब भी तुम जाओगे अंदर तो नॉट आउट ही आना है। और वो उसी तरीके से कोशिश करता था, जैसे जैसे वो इम्प्रूव होते गया उसकी बैटिंग की बैटिंग प्रैक्टिस का टाइमिंग हम लोग ने और ज़्यादा बढ़ाया। जैसे ही बॉम्बे से रिटर्न आता था वो नेट में चला जाता था, क्योंकि बॉम्बे से आने के बाद उसे वार्म अप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसकी हाइट भी वैसे कम थी 8-10 साल तक, तो उसको थोड़ा सा फेस बॉलर को या हाइटेड बॉलर को एडजस्ट करने को थोड़ा वक्त जाता था। लेकिन उसने जैसे जैसे उसको रोज़ प्रैक्टिस मिलती गई उसने खुद को अच्छे लंबे बॉलर को खेलने की आदत लगा ली, और उसका ही फायदा कम उम्र में हाइटेड बच्चे मिलने की वजह से उसका फ़ायदा उसे अभी हो रहा है, या अच्छे पेस बॉलर और अच्छे स्पिनर्स को खेलने के लिए उसको कंफर्टेबल पड़ रहा है। पृथ्वी कभी ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ कि 2-3 घंटा बैटिंग करने के बाद भी थक गया है, हम लोग कभी कभी उसको जल्दी भी निकाल देते तो भी खुश रहता था, ऐसे कोई मुझे बैटिंग कम मिली इसलिए नर्वस नहीं होता था, फौरन जाग निकल शूज़ बैटिंग शूज़ वगैरह निकल के
फील्डिंग शूज पहन के फील्डिंग को लग जाता था, फिर बॉलिंग डालता था, समय घुल मिल जाता था। वो एक उसकी खासियत है, जितना है उसमें बहुत जल्दी खुश हो जाता था। लेकिन अभी देख रहा हूँ मैं उसकी बैटिंग की भूख मैच में बिल्कुल नहीं कम हो रही है, और खेलूँगा और खेलूँगा। और आपके सामने अभी है पृथ्वी, जिस तरीके से खेल रहा है, शॉट अच्छे अच्छे इम्प्रूव कर रहा है। हम चाहते हैं कि अभी वो उसमें और खुद को डाल ले और जल्दी अपना खुद का स्थान इंडिया टीम में बनाए। जब पृथ्वी रणजी मैच पहली मैच खेला था, हम लोग ने देखा था वो स्पीडली खेल रहा है। तब वो रणजी मैच खेलने के बाद उससे मेरी बात हुई थी कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर, थोड़ा रुक के खेल, बॉलर को समझ ले और फिर खेल। तब उसने बताया था कि मुझे हमारा कोई भी प्लेयर ऐसे नहीं बता रहा है कि तू रुक के खेल या कुछ। सब लोग मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि तू तेरा नेचुरल खेल, सबको अच्छी तरीके से अटैक करके खेल, एग्रेसिवनेस से खेल। जैसे भी फर्स्ट मैच इंग्लैंड के लिए सिलेक्ट हो गया, तभी भी उसी रात में मुझे फ़ोन आती थी कि जब भी चांस मिले तो बॉलर पे हावी हो जा, लेकिन बॉलर को उतना ही रिस्पेक्ट दे कि उसकी अच्छी गेंद को अच्छी तरीके से खेल, उसको अच्छा रिस्पेक्ट दे। कोई बॉलर तुझे हिट करता तो गुस्सा आके उसको गलत तरीके से खेलने मत। तभी भी उसने बताया था कि द्रविड़ सर ने मुझे यही बताया कि तू तेरा नेचुरल खेल, अभी भी तू नेचुरल खेलते वक्त जो एग्रेसिवनेस दिखाता है उसमें कोई भी गलतियां नहीं करता है। और वो हमें भी दिखाई दे रहे, तो हमने भी उसे कभी ये फोर्स करने की कोशिश नहीं की कि तू थोड़ा स्लो खेल या सही तरीके से खेल। वो अपना नेचुरल खेल रहा है और हम भी चाहते हैं अभी कि ऊपर के लेवल में अच्छे कोच उसके पास है, उसको सिखा रहे, तो उसमें इंटरफेयर करना हम गलत समझते। लेकिन हम दिल से चाहते कि पृथ्वी सचिन जैसा कंट्रोल और एग्रेसिवनेस दोनों लाए, गावस्कर जैसा कॉन्फिडेंस लाए, और दोनों का मिलाप करके वो बेहतर क्रिकेटर बने, ये हमारे दिल की ख्वाहिश है। और जल्दी शायद उसको संभल ले। जैसे पृथ्वी आगे बढ़ रहा है उसी के तरीके से हमारे पास और भी खिलाड़ी, अभी अंडर 19 में रजनेश कानपिल्लेवार जो खेल रहा है, अभी सूरत में खेल रहा था, अंडर 14 खेला वो, अंडर 16 खेला, अंडर 14 का एमसीए का कैप्टन भी था प्रज्ञेश, 16 में भी कैप्टनशिप की। अभी ये साल 19 में पहला साल है उसका, पहले साल में उसको चांस मिला है, एमसीए ने चांस दिया और उसने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। हम देख रहे हैं कि प्रज्ञेश बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेफ्टी है, पृथ्वी राइटी है, प्रज्ञेश लेफ्टी है। प्रज्ञेश भी बहुत जल्दी पृथ्वी के पैर पे पैर रखे जरूर आगे जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास एक छोटा और एक पृथ्वी जैसा ही छोटा बच्चा है, अरहान शेख, जो पृथ्वी की स्टाइल से ही 6 साल का है, अभी पृथ्वी की स्टाइल से ही खेल रहा है। हम उसको देख के हमेशा हमें पृथ्वी की याद आती है। अभी उसको 6-7 साल है, मुंबई में जूनियर्स में खेलने के लिए शुरू करने के लिए वक्त है उसको। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे प्रिंसली परेरा है जो अंडर 16 स्क्वाड में है, प्रिंस डिब्रेटो है अंडर 14 स्क्वाड में, मुंबई के अभी खेल रहा है। हमारे यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत सारी मुंबई टीम में खेल रही है, अभी अंडर 19 में हमारे यहाँ की 4 लड़कियाँ खेल रही है। उसमें जाह्नवी कांटे जो है बहुत अच्छी तरीके से बॉलिंग करी, ऑफ स्पिनर है, वो अभी NCA अंडर 19 NCA भी जाके आई है। वो भी इंडिया की प्लेइंग लिस्ट में आए जैसे हम उम्मीद करते हैं, और उस तरीके से मेहनत भी कर रही है। उसके पीछे और छोटी लड़की है, एक झील डिब्रेटो लड़की है जो अंडर 16 स्क्वाड के लिए अभी उसको बुलाया गया हुआ है MCA में। उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से वो बॉम्बे टीम में आके फिर आगे इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेगी, ऐसे हमें उम्मीद है। और हम उस तरीके से उन खिलाड़ियों से मेहनत करवा के ले रहे हैं। अंडर 14 अंडर 16 ये सीनियर्स का एक बेस होता है, जो यहाँ से उसका टेक्निक, उसकी बॉडी लैंग्वेज प्रिपेयर होती है। यहाँ पे वो अगर अपना पैर ज़मीन पे रख के टेक्निकली 100% क्रिकेट में डालने की कोशिश की, तो मुझे नहीं लगता उनको 19 में या सीनियर में कोई रोक पाएगा। लेकिन
उतनी मेहनत करने की लगन हर खिलाड़ियों में चाहिए। सबसे पहला तो अपना एजुकेशन, अपना फिजिकल ग्रोथ, अपने क्रिकेट की ग्रोथ, इसमें सच्चाई होनी जरूरी है। बस सिर्फ मैच खेलने मिले इतने पे नहीं रह के, वो मैच खेलने के लिए प्रिपेयर करना, हर एक चांस के लिए प्रिपेयर होना मस्त है, वो होना जरूरी है। वो बच्चों में लाना हम कोचेस का काम है, वो हम यहाँ से कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी भी खिलाड़ियों ने करना चाहिए, क्योंकि यही मेहनत करके ही पृथ्वी अब तक ऊपर चला गया हुआ है और उसकी मेहनत दिखाई दे रही है इंडिया को खेलते हुए। मैं एडवाइस दूंगा 14-16 के बच्चों को कि जो भी खेले दिल से खेले, लगन से खेले, सच्चाई से खेले, जरूर उनका दिन आएगा, जरूर वो बच्चे आगे जाएंगे। मैं संतोष पिंगुलकर, पृथ्वी शाह का बचपन का कोच, हमारे इस गोल्डन स्टार क्रिकेट एकेडमी के माध्यम से, हमारे अमेज स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से पृथ्वी शाह को क्रिकेट ग्राफ के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं और आगे के कैरियर के लिए उसको शुभकामना देना चाहता हूं। इन सभी बच्चों की विशेष, हमारे विरार वासियों की विशेष और मुंबई के सभी खिलाड़ियों की तरफ से उसको शुभकामना देता हूं कि ये वो दिन ब दिन ऐसे ही तरक्की करते रहे और आगे जाते रहे। Yeah!